अस्सलाम वालेकुम, मैं सुफिया मलिक और आप देख रहे हैं पीकेएन न्यूज़। सबसे पहले डीसी कॉलोनी गुजरावाला में होने वाले इंतखाबात फाउंडर ग्रुप की कामयाबी के बाद मुबारकबाद देने वाले मेहमानों का तांता बांधा हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ बरादरियों समेत दोस्त अहबाब, सियासी समाजी शख्सियात और ग्रुप्स शामिल है। सरदार ताह महमूद की रिपोर्ट। 17 सितम्बर को होने वाले डीसी कॉलोनी इलेक्शन में फाउंडर्स ग्रुप की वाजिया बढ़तरी के साथ कामयाबी के बाद फाउंडर ग्रुप के मरकजी दफ्तर और सोसाइटी ऑफिस में सदर हाजी अमजद सलीम भट्ट को मुबारक बात देने वालों के लिए सैकड़ों की तादाद में दोस्त अहबाब और सियासी समाजी शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी है। फूलों के गुलदस्ते, मिठाइयों की टोकरियों के साथ ढोल की थाप पर बंगड़े डालते हुए नोट निशावर करके अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। डीसी कॉलोनी इंतखाबात 2023 में फाउंडर ग्रुप ने 9 सीटें हासिल की, जबकि मुकाबले यूनिटी ग्रुप ने 6 सीटों पर कामयाबी हासिल की। इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवारों के घरों पर भी उनके अजीजों अकारब, दोस्त अहबाब की मिठाइयों और फूलों के गुलदस्तों के साथ आमद का सिलसिला जारी है। जीतने वाले उम्मीदवार आने वाले मेहमानों का शानदार इस्तकबाल करते हुए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। नौ मुंतखब अहदेदारान ने इस बात का अहद भी किया है कि वो अपने मुंतखब मंशूर पर अमल करके डीसी कॉलोनी की फलाह बहबूद, तमीर और तरक्की में अपना अहम करदार अदा करते रहेंगे।